रिपोर्टर एक सवाल पूछ रहे जो पसंद आए, बीजेपी का बैच पहन लो। सुनते तो है नहीं, किसी पर कुछ आक्षेप लगा दिया, आप समझिए पत्रकार वो सवाल उठाएगा आपके हिसाब का नहीं उठाएगा। अरे भाई सवाल पूछने वाले तो अडानी के चैनल के दलाल थे। मैं कह रही हूँ ये आपकी सामान्य भाषा है क्या, या आपकी सामान्य भाषा है? घर में भी यही सब शब्द इस्तेमाल करते हैं। लोगों के लिए विशिष्ट भाषा है मेरी, जो भी है बड़ी गंदी भाषा है। अंजना जी थोड़ा कंट्रोल कीजिए आलोक जी, वरना ऐसा दिन ना आए जब लोग रिमोट अपने हाथ में रखें, बच्चों को कहें कि दूर हटो, यहाँ पर टीवी में नेताओं को मत सुनो। रखे वो, लेकिन हमारा एक साथी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है उसके बारे में मत बोलिए। इसी चुनाव आयोग को आप लोगों ने कितनी गालियां दी, लेकिन सब सुन गया जब 4 जून को नतीजे आए। और आप अपनी शब्द और भाषा को संभालिए मिस्टर आलोक, मैं आपको कह रही हूँ। नहीं देखिए मिस्टर आलोक, आप शब्द और भाषा संभालिए। तो क्या ये तो बीजेपी लाएंगे? तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा नहीं, सेशन वाटर। आप ऐसी टी-शर्ट ले लो ना, तो उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तब से राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा था कि इस बार वो नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने से रोक देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राहुल गांधी ने शेयर मार्केट और उससे जुड़े उतार चढ़ाव को एक घोटाला बताते हुए जेपीसी जांच की मांग की। उसके बाद उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने राहुल गांधी से जब सवाल पूछा तो राहुल गांधी को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने उस पत्रकार के सवाल को बीजेपी का सवाल बता दिया। इसी के बाद आलोक शर्मा जब एक टीवी डिबेट प्रोग्राम में पहुंचे तो इसी डिबेट में अंजना कश्यप ने सेम सवाल पूछ लिया। इसके बाद आलोक शर्मा, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया और वो अंजना कश्यप को उल्टी सीधी बात कहने लगे, जिसके बाद अंजना कश्यप ने आलोक शर्मा की ऐसी क्लास लगाई कि आलोक शर्मा हक्के बक्के रह गए। उसके बाद ये डिबेट मजेदार हो गई और डिबेट लड़ाई में बदल गई। दोस्तों इस डिबेट को आप आखिर तक देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो साथ में एंड तक देखते हैं, थैंक यू। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं और वो जांच की मांग कर रहे हैं, रुकिए रुकिए मिस्टर आलोक शर्मा, सत्यप्रकाश मिश्र जी, वो कह रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए और जो आधार है, और जिस तरह से हर संस्था पर सवाल, मतलब सीधा कोई रिपोर्टर एक सवाल पूछ रहे जो पसंद ना आए, बीजेपी का बैच पहन लो। देखिए जांच सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के मामले में की, जांच से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जांच का नतीजा भी राहुल गांधी अपनी मानसिकता जैसा चाहते हैं। कांग्रेस के जमाने में था ना कि सीबीआई पैरट है, तोता है, अब आलोक शर्मा जी चाहते कि पत्रकार भी उनके तोता की तरह बोले। अरे पत्रकार तोता नहीं होता आलोक शर्मा जी, आप रिपोर्ट कम सुनते हैं मौसमी जी का। सुनते तो है नहीं, किसी पर कुछ आक्षेप लगा दिया, आप समझिए पत्रकार वो सवाल उठाएगा आपके हिसाब का नहीं उठाएगा। अरे तोतागिरी नहीं करेगा वो, रट्टू तोता नहीं बनेगा, उसको जो समझ में आएगा वो सवाल उठाएगा। आपको तीखा लगता है, आप जवाब दीजिए, जवाब देके निकलिए ना, सवाल तो तीखा ही होगा। हमने आज तक किसी पत्रकार पर, हमारे खिलाफ जो भी लगा, आज तक किसी पत्रकार पर नीतीश कुमार जी ने, हमारी पार्टी ने कोई तोहमत नहीं लगाया। आप जो सवाल पूछना है पूछिए, जवाब है नहीं राहुल जी के पास, कह दिए क्यों भाजपा का बैच लगा लीजिए। और आपके जितने रटंतु तोता वो घूम रहे हैं ना जर्मनी से लेकर के कुमार तक, वो सारे लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं। आप समझिए आलोक शर्मा जी, सवालों का जवाब ही लोकतंत्र है, और अगर आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, पत्रकारों को तोहमत लगा रहे हैं, तो आप तानाशाही कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा गौरव जी ने कि वो सवाल पूछा गया था। अरे भाई सवाल पूछने वाले तो अडानी के चैनल के दलाल थे, अडानी के चैनल के शेयर्स हैं, अडानी के शेयर्स हैं जो सेबी जांच कर रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। आपकी सामान्य भाषा है क्या? एक सेकंड आलोक जी को मेरे साथ दिखाइएगा। हाँ वही मैं कह रही हूँ, ये आपकी सामान्य भाषा है क्या, या आप घर में, एक सेकंड मिस्टर भाटिया, मैं उनसे बात कर रही हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं। आलोक जी ये आपकी सामान्य भाषा है, आप घर में भी यही सब शब्द इस्तेमाल करते हैं? नहीं मुझे क्यों नहीं जरूरत है, चलिए करिए, मैं उनसे बात कर रही हूँ ना, अभी आपके आपका नाम नहीं। लोगों के लिए विशिष्ट भाषा है मेरी, जो भी है बड़ी गंदी भाषा है। अंजना जी थोड़ा कंट्रोल कीजिए आलोक जी, वरना ऐसा दिन ना आए जब लोग रिमोट अपने हाथ में रखें, बच्चों को कहें कि दूर हटो, यहाँ पर टीवी में नेताओं को मत सुनो। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप शब्दों के बिना भी आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं, आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको जिसके खिलाफ बोलना है आप बोलिए। अंजना जी हमने, अंजना जी लेकिन आज तक पर और आज तक के रिपोर्टर्स पर नहीं। अंजना जी हमने 10 साल तक, अंजना जी हमने 10 साल तक अपने बीपी बढ़ाए हैं इस मीडिया हाउसेज में डिबेट करते करते। एक हमारा साथी डिबेट करता करता इस आज तक की डिबेट के बाद अपने शरीर को छोड़कर चला गया।
आप लोगों ने जिस तरह के टॉपिक्स को उठाया, आलोक शर्मा जी, जिस तरह से एक तरफा डिबेट कराया, आलोक शर्मा जी, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप संयम रखिए, संयम रखिए और बेवजह से दो चीजों को मत लिख कर दे। मैं संयम रखे हुआ हूँ, लेकिन हमारा एक साथी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, आज तक उसके बारे में मत बोलिए, तो मुझे एग्जाम्पल देना, बिल्कुल करूंगी, मैंने बिल्कुल करूंगी और अपने उस साथी का भी बचाव करूंगी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था, और वो मेरा साथी था, अपने साथी का भी बचाव करूंगी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम अगर अपने अंदर देखना चाहते हैं तो आपको भी देखना होगा अंजना जी। वापस टॉपिक पर आता हूं, आपने आज लेकिन हमारे वो साथी भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप उन पर उंगली मत उठाइए क्योंकि उनका शो था। प्रश्न है जिस पर आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के नेताओं को सोचना होगा, वो है हर संस्था पर और उस संस्था के वाहकों पर सीधा आरोप लगाना। इसी चुनाव आयोग को आप लोगों ने कितनी गालियां दी, लेकिन सब सुन गया जब 4 जून को नतीजे आए और फिर एक बोली नहीं निकली, ना ईवीएम का नाम दिन भर लिया गया, ना चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, क्योंकि उस वक्त नतीजे ऐसे आ रहे थे जिससे आप बहुत उत्साहित हैं। दूसरा, हमारी साथी आज एक प्रश्न पूछती है, प्रश्न पर उसको बीजेपी का बैच लगाने के लिए बोल दिया जाता है, ऐसी ही स्थिति रहती है, कहीं पर और जाइए, हर किसी पर को एक ही चश्मे से देख देना, रंग देना, और एक ऐसे बड़े नेता का सीधा जर्नलिस्ट को कहना कि आप बीजेपी का बैच लगा लो, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? आप लोगों को सोचना चाहिए, ये गलत है, ये व्यवहार ही गलत है। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा व्यवहार कहां से आप लोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तीसरी बात है, आप प्रश्न उठाइए, अगर कोई गलत कहता है आप उस पर प्रश्न उठाइए। तीसरा, जो उन्होंने शेयर मार्केट के आरोप पर अपनी बातें कही है उस पर आप अपना आधार समझाइए, क्योंकि वो इसको खारिज कर रहे हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से शुरू कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को जिस दिन से चुनाव हुआ है, बीजेपी और मीडिया का एक वर्क क्लीन चिट देने पे तुला हुआ है। हम क्लीन चिट अभी भी नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जो चीजें, जो कंप्लेंट्स गई हैं, उन पर एक्शन हो। और इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा काम किया है, प्लेन लेवल फील्ड पर काम नहीं किया है। जनता ने वोट दिया है, अगर हमें जनता ने वोट देकर जिताने का काम किया है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहीं पर कोई योगदान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पूरा भरसक प्रयास किया कि सत्तासीन लोगों को हर तरह से मदद की जाए। अब आता दूसरा सवाल का हिस्सा कि हमारा व्यवहार, अंजना जी, हमारा कांग्रेस के व्यवहार देखने से पहले जिस संस्थान की आप बात कर रहे हैं, मीडिया जगत की, मीडिया जगत भी अपना व्यवहार देखे। पिछले 10 साल से अगर 80-85% मीडिया वर्ग, एक मिनट सुनिए मैम, मैंने आपको आलोक जी मौसमी सिंह ने सवाल पूछा था, करता दिखेगा तो हम, आप अपनी शब्द और भाषा को संभालिए मिस्टर आलोक। मैं आपको कह रही हूँ, नहीं देखिए, मैं मिस्टर आलोक, आप शब्द और भाषा संभालिए। अगर ऐसा शब्द मैंने आप, नहीं आप किसी के लिए भी ऐसी भाषा मेरे ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके नेता के लिए, नहीं मैं किसी के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। अंजना जी, अंजना जी, राहुल गांधी के लिए परिपक्व कहा गया, आपने नहीं रोका उसको अभी तक। तो इमैच्योर पर बोलना, आप उस पर जवाब दीजिए, आप उनके नेता पर अटैक कीजिए। मीडिया हिंदुस्तान का, सुनिए ना जरा अंजना जी, हिम्मत है तो सुनिए जरा। आज बिल्कुल बहुत हिम्मत है, आपसे कहीं ज्यादा है, आपसे प्लीज आलोक जी, आलोक जी प्लीज सुनिए, शांति से सुनो, आप भी अपना शांति से सुनिए, मैं भी शांति से बोलूं। प्लीज कम डाउन, ब्रिंग डाउन योर टेंपर, ब्रिंग डाउन योर टेंपर। सुनिए ना मैडम, आप सुनेंगे नहीं, अपशब्द मत बोलिए, अपशब्द मत बोलिए प्लीज। आई विल ब्रिंग डाउन माय टेंपर बट आई विल नॉट टेक माय वर्ड्स बैक। आई एम कमिंग टू द पॉइंट, वापस आता हूं। व्यवहार की बात आपने की, व्यवहार हमने देखा है। देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारी 240 सीटें आती हैं, इनकी 37 सीटें हैं। आज हर कोई पूछ रहा है, जिसकी 240 सीटें आई हैं, जिसने 1962 के बाद इतिहास रच दिया, तीसरी बार लगातार सरकार आई है और वोट प्रतिशत में भी कमी नहीं हुई है, जो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ, उसके लिए तो कह रहे हैं कि हार गए। और अपनी 37 सीटें आई हैं, 99 नर्वस 90 पे कांग्रेस पार्टी का विकेट उखड़ गया। और 1991 के बाद, अंजना जी, 1991 के बाद कभी भी 240 का आंकड़ा पार नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने, तो जीत किसकी हुई है? मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए नरेंद्र मोदी जी में सबकी आस्था है, एनडीए की बैठक कल हुई थी, प्रस्ताव पारित हुआ है और संविधान की दृष्टि से जो उचित है हमेशा वही कार्य नरेंद्र मोदी जी और सारे घटक दल करेंगे। दूसरी बात, जो राष्ट्र हित में होगा हमेशा वो करेंगे। लेकिन ये विपक्ष घमंडिया के लिए बर्नौल मोमेंट है,
क्योंकि रविवार को जब ये शब्द बोले जाएंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, तो बहुत जगह धुआं और आग आग दिखेगी आपको। आप लोग ने कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है, तो क्या ये तो बीजेपी की लाइन है? तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वॉटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, एक मैं आपको दे दूंगा, उनका उनका वो सिंपल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किस नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं, आप चेक, बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए बीजेपी का बैच पहनने की, आप सवाल पूछे ना, नहीं आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, गलत बात है सवाल।